नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे स्पीडी करंट अफेयर्स, जो है 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक का। उसी में अभी तक हमने 1 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, जो प्रश्नोत्तर संग्रह के रूप में है। उसी में हम आगे डिस्कस करते हैं, वो है 1 नवंबर 2023 को किसे अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह विहान, कल्या और विकास। इसे अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया, विहान, तल्या और विकास। 1 नवंबर 2023 को देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? 37%। 1 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? कर्नाटक। यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम शहीद का शहर घोषित किया गया है? तो शहीद का शहर है कोझिकोड, केरला। यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? तो संगीत का शहर है ग्वालियर। नवंबर 2023 को किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार पुस्तक किसे मिला है? ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? नंदिनी दास। ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? नंदिनी दास। किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड। नवंबर 2023 को कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ पटेल एकता कक्ष रखा गया है? कोलकाता। राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदल करके रखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कोलकाता में। भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है, लेवेंडर फार्म बनाया गया जम्मू कश्मीर में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। फीफा पुरुष कप 2034 की मेजबानी देश कौन करेगा? तो सऊदी अरब। 2034 फीफा की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। 2023 को किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है अमेरिका ने। केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? टी पद्मनाभन को। केरल ज्योति पुरस्कार टी पद्मनाभन। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राजेंद्र मेनन। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष राजेंद्र मेनन। हरुण इंडिया पुरस्कार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शिव नादर। SCL टेक के संस्थापक हैं शिव नादर। प्रोजेक्ट कोसा किसने प्रारंभ किया है? तो DRDO ने। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया है कर्नाटक ने। पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया पुनीत राजकुमार ये कर्नाटक ने किया है। पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। किस यूरोपीय देश ने 2024 में अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा किया है? गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा किया है नीदरलैंड। पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया जाता है, मनाया गया है कहाँ? केरला। पारुमला पेरुनल केरला। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कहाँ में 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीनीकरण योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ है? यह है गुजरात के कच्छ में। किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर। नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव में प्रथम सिटी का स्थान प्राप्त हुआ इंदौर को। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भूटान। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश बना है भूटान। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा, जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? बुंदेलखंड में हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड हमीरपुर। ये UPPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा बुंदेलखंड हमीरपुर जिला में। 2023 को किसने महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता? महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप जीता है भारत ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? कोलिंस। कोलिंस का बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड ऑफ द ईयर। साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मार्क्स वर्स्टापेन ने। साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन ने। टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? एंजेला मैथ्यू, श्रीलंका के। टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज एंजेला मैथ्यूज। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश। हाल ही में गेको की नई प्रजाति खोजी गई है पश्चिमी घाट में। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? न्यू दिल्ली। कौन बन गया है? न्यू दिल्ली।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य कौन है? चिली। 95 मेंबर कौन है? चिली। किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। कौन सी राज्य सरकार गाय की जनगणना कराएगी? उत्तर प्रदेश। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? श्रीलंका। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? केरला। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड केरला को मिला है। कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा? तो सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा भारत। किस आईआईटी द्वारा आत्मन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? ATMAN आत्मन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना क्या है? आईआईटी कानपुर। G7 के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई? जापान में। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? हितेश कुमार। हितेश कुमार भारत के नया महासर्वेक्षक है। 2023 को किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। 161 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? मुंद्रा पोर्ट। 161 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है मुंद्रा पोर्ट। कौन सी राज्य सरकार ने वन जीवी आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया है तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रोजेक्ट डॉल्फिन। किस देश के क्लुचेवास्काया सोपाका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? क्लुचेवस्काया सोपाका ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ कहाँ? रशिया में। नाम से भी पता चल रहा है क्लुचेवस्काया सोपाका ज्वालामुखी ये रशिया में। भारतीय अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान के किस एक नए किस्म को विकसित किया है? तो धान की एक नई किस्म पूसा 2090। भारतीय अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए एक धान की किस्म विकसित किया है पूसा 2019। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी बना है ग्लेन मैक्सवेल। सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है ग्लेन मैक्सवेल। किस देश की महिला क्रिकेटर मेंग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ऑस्ट्रेलिया। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड। आईसीसी ODI रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने? शुभमन गिल। 2023 को किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? यह असम। रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है यह असम में। किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस एंड चेंज वर्ल्ड चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सोमदत्त सिंह। किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सोमदत्त सिंह। किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है DY चंद्रचूड़ ने। ITBP का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? देहरादून में। ITBP का 62वां स्थापना दिवस। आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? फागरा डल्स फजाल ये ज्वालामुखी है, ये कहाँ? आइसलैंड में। फागरा डल्स फजाल। 2023 को किसने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीता है? भलिंदर ट्रॉफी जीता है महाराष्ट्र। किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप इवोटो द्वीप मिला है? इवोटो द्वीप मिला है जापान को। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण नया द्वीप मिला है इवोटो द्वीप जापान को। किस सुरंग में लैंडस्लाइड के कारण वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए? सिल कियारा सुरंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में। लैंडस्लाइड हुआ था वहां पे 41 मजदूर फंस गए थे, सिल कियारा सुरंग नाम था। किस देश के क्रिकेटर सुनील नरिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया? वेस्ट इंडीज। किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% FDI प्राप्त करने वाली विदेशी कंपनी बन गई? स्वीडन। किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? स्वीडन। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है गुजरात में। किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? अमेरिका। किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? अमेरिका। 2023 को गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है?
वो है फिनलैंड। गाजा के संघर्ष के बीच में इसराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? फिनलैंड। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना है? उत्तराखंड। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का ट्रॉफी किसे प्राप्त हुआ है? श्री हरि नटराज। राष्ट्रीय खेल 2023 में श्री हरि नटराज को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ट्रॉफी प्राप्त हुआ है। आईएनएस सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? नामीबिया। नामीबिया सुमेधा आईएनएस सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की? नामीबिया। किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? कनाडा। बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है कनाडा। एम्बेंडेंस इन मिलेट्स गीत के ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, इसके लेखक कौन है? फाल्गुनी साहब। 800 किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक है? मुथैया मुरलीधरन। 800 किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक है? मुथैया मुरलीधरन। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली। आसियान रक्षा मंत्री की बैठक जकार्ता में हुआ। भारत किस देश से इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? एस एंटी एयरक्राफ्ट कहाँ से खरीद रहा है? रशिया से। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई डाइव करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। शीतल महाजन। किस राज्य सरकार द्वारा आयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? केरला। तीरंदाजी एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? दक्षिणी कोरिया। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में दक्षिणी कोरिया। 15 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड। 15 नवंबर को अपेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अमेरिका में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? डायना एडुलजी। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी। ओडीआई में नंबर 1 गेंदबाज केशव महाराज। 15 नवंबर 2023 को नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? केशव महाराज। 16 नवंबर 2023 को इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया? अमेरिका। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ? किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? चाइना। 16 नवंबर 2023 को किसे भारत का किसे सॉरी 2023 को किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? सलमान रुश्दी। 2023 को किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड है? सलमान रुश्दी। भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? बेली ब्रिज पूरा किया है सिक्किम में। भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? सिक्किम में। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगा है विराट कोहली। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? हैदराबाद। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? हैदराबाद। स्वास्थ्य पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर हैदराबाद। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में हुए जातिगत जनगणना के बाद जातिगत आरक्षण को 50% बढ़ाकर 65% करने का विधेयक पारित किया? बिहार। महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? सुरेश वाडक। 17 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? मालदीव। किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू गए? मालदीव। विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? यूएसए। भारत का स्थान 3रा यूनिकॉर्न में। किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड 2023 घोषित किया गया? हेलुसिनेट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 हेलुसिनेट। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है? भारत। दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बना है भारत। भारतीय नौसेना ने चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? आमिनी। किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? नीरज चोपड़ा 2023। केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार सम्मानित किया गया है बीना अग्रवाल और डेविड वार्किन को। केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार मिला है बीना अग्रवाल और डेविड वार्किन को। नवंबर 2023 को किस राज्य ने अस्पताल में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? त्रिपुरा। ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य है त्रिपुरा में। 2023 को किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? वह उत्तर प्रदेश। अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश।
अंतर्देशीय मछली पालन में मैदानी क्षेत्रों में पहला स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? प्लासी योस, सेनिस प्लासी योस, प्लास सेनी, सन्नी प्लास, सन्नी प्लास, इस तरह से याद करेंगे, सन्नी प्लास। मिस यूनिवर्स 2023 सेनी प्लास। इसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? रियान रेनॉल्ड्स। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, रियान रेनॉल्ड्स। 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया? कोच्चि शहर। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2023। नवंबर 2023 को किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गकई के प्रमुख डिसाको इकेडा का निधन हो गया? वह जापान। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर है? बेंगलुरु। महिला नेतृत्व के स्टार्टअप में बेंगलुरु। किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? वह उत्तर प्रदेश। 1 नवंबर 2023 को IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में राजकुमार हिरानी को चुना गया है। किस राज्य के सी बैकथॉर्न फल को GI टैग मिला है? सी बैकथॉर्न फल, ये लद्दाख। 36वां अखिल भारतीय संथाली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? बारी पदा में। 36वां अखिल भारतीय संथाली लेखक महोत्सव, अखिल भारतीय संथाली लेखक महोत्सव होगा बारी पदा में। 21 नवंबर 2023 को ATP फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। ATP फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? वीर दास। एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वीर दास। किसने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? मैक्स वर्स्टापेन। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टापेन। हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया उत्तर प्रदेश। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा किया? श्रीलंका। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वां IFFI में सम्मानित किया गया? माधुरी दीक्षित। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई में शुरू हुआ है? अमेरिका। ब्रज प्रहार उमरोई में शुरू हुआ अमेरिका। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन अहमदाबाद। किसने सहित का JCB पुरस्कार 2023 जीता है? पेरुमल मुरुगन। उपन्यास का नाम है फायर बर्ड। JCB पुरस्कार जीता है पेरुमल मुरुगन। किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? क्यूटोन टाइल्स। सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया क्यूटोन टाइल्स। 1 नवंबर 2023 को किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है? पीटर सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है सी राजकुमार को। किस देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है? उसका नाम क्या है? न्यू क्लाउड। देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया, उसका नाम है न्यू क्लाउड। 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता है पंकज अडवाणी। नवंबर 2023 को तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजेक किया? गैलेक्सी लीडर। 2023 को 22 नवंबर 2023 को तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजेक किया? इसका नाम था गैलेक्सी लीडर। नवंबर 2023 को पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाले पहले महिला कौन बनी है? दीप्ति बापूता। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? UAE। सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है UAE। केसर को GI टैग मिला है किश्तवाड़ केसर को जम्मू कश्मीर। नबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? अजय सूद। नबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक बने हैं अजय सूद। ढोल पीस को किस राज्य का स्टेट पीस घोषित किया गया है? ढोल पीस गुजरात। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के मेजबान कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। 22 नवंबर 2023 को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू किया? उत्तर प्रदेश। सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश। चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश ने किया है? माइकोंग म्यांमार। माइकोंग म्यांमार
म्यांमार, चक्रवात जब आया तो म्यांमार के लोग बोल रहे हैं माई कौन, मैं कौन हूँ, इस तरह से याद कर सकते हैं माई कौन म्यांमार। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली। 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध प्रवासी आबादी किस देश की है, अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है, भारत। 2023 को जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया है, मेघालय। जल संरक्षण में सहायता के लिए जागरूकता के लिए किस देश ने वाटर स्मार्ट कार्ड अभियान शुरू किया है, वो है मेघालय। वाटर स्मार्ट किट शुरू किया है मेघालय। 23 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जल प्रभाव शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली। द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की, उड़ीसा। नए भारत नई शिक्षा, नए भारत नई शिक्षा को है उड़ीसा। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है, कर्नल सुनीता। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है कर्नल सुनीता। भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवा फिर से शुरू किया है, कनाडा। ई वीजा शुरू किया है कनाडा के साथ। भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव का मेजबानी कहाँ किया गया, जकार्ता में। 2023 को नवंबर 2023 को भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव का मेजबानी कहाँ किया गया, जकार्ता में। सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन सा एक्सप्रेस वे पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनेगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। 2023 को इसे नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, देवाशीष भट्टाचार्य। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड मिला है देवाशीष भट्टाचार्य को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 गुवाहाटी को, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है गुवाहाटी को। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, डॉक्टर SM सैफुद्दीन। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय डॉक्टर SM सैफुद्दीन। 24 नवंबर 2023 को किस राज्य के पर्यटन मिशन को अंटार्ड से वैश्विक मान्यता मिली, अंटार्ड से वैश्विक मान्यता मिला है केरल पर्यटन मिशन को। नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, नम्बा कम्बाला बेंगलुरु। नम्बा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलुरु। 24 नवंबर 2023 को नम्बा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलुरु। किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा किया, अफगानिस्तान। नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा किया, अफगानिस्तान। दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ, CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव, इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव है न्यू दिल्ली में। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, सिद्धिपेट जिला। 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, सिद्धिपेट जिला तेलंगाना। नवंबर 2023 को राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, अनाहत सिंह। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरे सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है अनाहत सिंह। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, उत्तराखंड में। 24 नवंबर 2023 को किसने स्टार्टअप एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, इशवाक सिंह। स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इशवाक सिंह। अल्टीमेट खो 2023 को अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ, भुवनेश्वर में, खो खो भुवनेश्वर। किस राज्य ने 25 नवंबर को 9 जून डे किया,